एक सास की पांच बिगड़ैल पोतियां। आज देखना हम सब पार्टी में कितना मजा करेंगे। हाँ बहुत मजा आएगा, चलो डांस करने। तभी चारों ड्रिंक सेक्शन में जाती हैं और अपनी मतलब की ड्रिंक पीकर नाचती हैं। डांस करते वक्त एक लड़का वीर उसका दोस्त विक्की उन चारों बहनों को छेड़ने लगता है, तो कभी धक्का मारकर टच करने की कोशिश करता है। तभी दिव्यांशी कहती है, क्या बात है, नाचना नहीं आता तो क्लब में जाना जरूरी है, बदतमीज कहीं के। अच्छा अभी तो बदतमीजी शुरू नहीं की है, लेकिन अब तुम जरूर देखोगी मेरी बदतमीजी। ये कहते ही वीर दिव्यांशी को परेशान करने लगता है। दूसरा लड़का एकता के बाल पकड़कर खींचता है। तभी वहां उन चारों की माँ सुभद्रा और दादी माँ अंजना आ जाती है और वो खींच कर उन दोनों लड़कों को चाटा मारती है। क्या यही सब तुम्हारी माँ ने सिखाया है तुम्हें? हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटियों को हाथ लगाने की? तुम्हें तो जेल में डलवा दूंगी मैं। तभी गुस्से से सुभद्रा और अंजना पुलिस को कॉल करके उन लड़कों को पकड़वा देती हैं। जिसके बाद वो चारों लड़कियां अपनी माँ से माफी मांगती हैं। आखिर वो किस लिए माफी मांगती हैं और ऐसा क्या हुआ था कि उन दोनों को आधी रात में अपने बच्चों के पास अचानक आना पड़ा, ये जानने के लिए कुछ समय पीछे जाना होगा, जहाँ सुभद्रा की पांच बेटियां बड़ी दिव्यांशी, भव्या, एकता, वंशिका और डिंकी रहती थी। वहीं इन पांचों की दादी अंजना ने खूब लाड़ प्यार करके पोतियों को इतना बिगाड़ दिया है कि वो पांचों उनके और अपनी माँ के सर पर चढ़कर नाचती हैं और उनका कहना नहीं मानती। कुछ सालों पहले सुभद्रा का पति बीमारी से चल बसा था। ऐसे ही एक दिन सुभद्रा फोन चलाती हुई भव्या से कहती है, भव्या बेटा जरा किचन में मेरी थोड़ी मदद करा दो, खाना बनाना भी सीख जाओगी। माँ मेरा मन नहीं है, आप एकता या वंशिका दीदी से कह दो, मुझे नहीं सीखना खाना बनाना। क्यों भाई, हम क्यों तेरा काम करें? माँ ने तुझसे बोला है तो तू ही काम कर। जब देखो फोन में घुसी रहती है, कभी घर में भी काम कर लिया कर। बेटा ससुराल जाएगी ना तो बहुत सुनेगी उनसे, क्योंकि तू खाना नहीं बना पाती है। हाँ, पर ऐसी भी नहीं है कि वो इसकी बातों से पेट भर लेंगे, क्योंकि इसकी बातें कड़वी होती है हमेशा। तुम पांचों कभी सुधर नहीं सकती हो ना, तुम्हारी माँ तुम्हें एक काम बोलती है वो भी तुमसे होता नहीं है, जुबान चलाती हो। तुम्हारी जितनी उम्र में तो मैं हर तरीके का खाना बना लेती थी, और मजाल है कि अपनी माँ से या घर में किसी बड़े से ऐसी बात की हो। ओ माय गॉड, दादी का लेक्चर शुरू हो गया, ईयरफोन लगा लेती हूँ। तभी वो ईयरफोन लगाकर साइड से चली जाती है और अंजना कहती है, बस मैंने दो शब्द बोले नहीं कि ये सब अपने कानों में ईयरफोन लगाकर साइड में चल देती हैं। अरे हम पागल थोड़ी हैं जो तुमसे कुछ कह रहे हैं, तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। डिंकी एकता तुम चलो। माँ जब वो तीनों बड़ी में से कोई नहीं आ रहा तो भला मैं कैसे काम करूंगी, और वैसे भी मुझे अपना असाइनमेंट बनाना है। देख लिया माँ जी आपने, दूसरों के घरों में एक को आवाज लगाओ तो पांचों बच्चे खड़े हो जाते हैं, और यहाँ मेरे दो को बोलूं तो एक भी नहीं सुनती है। क्या फायदा मेरी पांच पांच बेटी होने का जब मुझे और आपको ही काम करना पड़े। पता नहीं ये मेरी पांचों पोतियां समझती क्यों नहीं है, इनके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, कमाते हैं, और ये मेरे घर के काम में एक हेल्प नहीं कर सकती है। अच्छा अच्छा ठीक है, और प्रवचन मत दीजिए, जा रही हूँ मैं। तीन दिन बाद सुभद्रा काम पर गई थी। तभी अंजना की कमर में बहुत दर्द होता है तो कमरे से ही अपनी पोतियों को आवाज लगाकर कहती है, अरे मेरी कमर में बड़ा जोर से दर्द हो रहा है। डिंकी बेटा, अरे बेटा जल्दी आ जा, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, बाम लगा दे। कमरे में बैठकर डिंकी हेडफोन लगाकर गाने सुनकर नाच रही थी। तभी भाव्या कहती है, पर वो सुनती नहीं। तभी वो धक्का देती है और डिंकी बेड पर लेट जाती है और गुस्से से कहती है, क्या है तेरे को, मेरे को धक्का क्यों मारी, दिख नहीं रहा कि गाने सुन रही हूँ। दादी तुझे बहुत देर से आवाज लगा रही हैं, जाकर देख उन्हें क्या काम है। ओफो, दादी को भी चैन नहीं है, अब पता नहीं क्या करवाएंगी मुझसे। जैसे ही वो अपनी दादी के पास जाती है तो वो बाम लगाने को कहती है। फिर डिंकी कहती है, ठीक है
मैं आपकी कमर पर बाम लगा दूंगी, पर मुझे कमीशन चाहिए आपसे थोड़ा। डेरी मिल्क की नई वाली चॉकलेट आई है, वो खानी है मुझे। हे भगवान, अब मेरे काम के लिए भी तुम्हें कमीशन चाहिए? ठीक है, ले लेना। कलयुग आ गया है, मैं तुम पांचों को बचपन से इतना खिलाया पिलाया, उसमें भी तुम फ्री फंड में काम नहीं कर सकते, पैसे चाहिए। दादी, आजकल का टाइम बदल गया है, कोई भी किसी का काम फ्री में नहीं करता, पर आप तो दादी हो, चॉकलेट देना तो बनता है। तभी डिंकी अंजना के कमर पर बाम लगाकर उससे पैसे लेकर चली जाती है। ऐसे ही शाम को पांचों तैयार होकर पार्टी जा रही थी, तभी अंजना और सुभद्रा कहती है, शाम के 7 बजे तुम पांचों इतना बन ठन के कहाँ जा रही हो, और मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा? रिया का बर्थडे है तो हम उसमें जा रहे हैं, उन्होंने मेरी बहनों को इनवाइट किया, इसीलिए मैं इन सबको लेकर जा रही हूँ। हम रात के 10 बजे आएंगे। ओके बाय। अरे दिव्यांशी, एकता, भव्या, वंशिका, डिंकी, कोई सुनकर राजी नहीं है माँ जी। ये पांचों आपकी वजह से मेरी बात नहीं मानती है, आपने इन्हें लाड प्यार करके बिगाड़ दिया है। देखा कैसे लास्ट वक्त पर आकर बोली है। मुझे क्या पता था कि ऐसे बिगड़ जाएगी, मेरी कौन सी बात मानती है एक भी। सोचा था इन्हें बाप का प्यार दूंगी तो उसकी कमी नहीं खलेगी। कुछ देर बाद जब पांचों आती है तो एक के हाथ में बियर होता है और दिव्यांशी झूमते हुए अपनी दादी के गाल पकड़ कर कहती है, जरा सा झूम लू मैं, अरे नारे नारे ना, जरा सा घूम लू मैं, अरे नारे नारे ना, मैं चली बन के हवा, रब्बा मेरे मैनू बचा। हे भगवान, इसने शराब पी है और अपने होश में नहीं है, तुम पांचों पागल हो क्या? बर्थडे पार्टी में ये सब कौन करता है, शर्म नहीं आती? मम्मी, तो क्या हुआ अगर हम तीनों ने पी ली? चिंता मत कीजिए, उन दोनों को हमने सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी। ये बोलकर दोनों तीनों को उनके कमरे में सुला देती है। माँ जी, ये पांचों बिगड़ चुकी है, क्या करें हम, कुछ कह दो तो सुनते भी तो नहीं है। ये नहीं पता आजकल का जमाना कितना खराब है, और इन्होंने अभी से ही नशा करना शुरू कर दिया है। वक्त बीतता है, आए दिन पांचों पोतियां अपनी दादी से जुबान लड़ाती हैं और उनकी बात बिल्कुल नहीं मानती हैं। सिर्फ अपने मन की करती हैं, वो इतनी बिगड़ जाती हैं कि घर में छुपकर सिगरेट और अल्कोहल पीती हैं। ये बात सुभद्रा को पता चल जाती है तो वो बच्चों को बहुत डांटती हैं, पर इन बातों का भी पांचों पर कोई असर नहीं होता। ऐसे ही चारों डिंकी को सुलाकर शॉर्ट ड्रेस में रात के 10:11 पर क्लब जा रही थी, तभी सुभद्रा और अंजना कहती हैं, बेटा तुम चारों ने ये कैसे कपड़े पहने हैं, और इतनी रात में तुम ऐसे कहाँ जा रही हो? ओ गॉड दादी, मेरे दोस्तों की बर्थडे पार्टी है, उसने हमें इनवाइट किया है तो हम जा रहे हैं, अब रोकना मत प्लीज, कि ये मत करो वो मत करो। बेटा रात में ये सब सेफ नहीं होता, चल मैं तुझे छोड़ने चलती हूँ। माँ पागल हो क्या, हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं। अब हमें जाने दो वरना सब हमारा मजाक उड़ाएंगे कि हमारी माँ हमें छोड़ने आई है। ये कहकर पांचों टैक्सी करके क्लब पहुँच जाती हैं, जहाँ ड्रिंक पीकर डांस करती हैं। दो तीन लड़के उन्हें छेड़ते हैं, तभी वीर नाम का एक लड़का दिव्यांशी को छेड़ता है, उसके बाद दो लड़के उन तीनों को भी छेड़ते हैं और जबरदस्ती करने लगते हैं। Who the hell are you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? छोड़ो मुझे। ए, मेरी बहन का हाथ छोड़। यार ये पिंक ड्रेस वाले तो मस्त है यार। ये सुनकर एकता विक्की को थप्पड़ मारती है, तभी विक्की गुस्से में उसके बाल पकड़ लेता है, और उसी वक्त किसी तरह अंजना और सुभद्रा आकर लफंडर लड़कों को थप्पड़ मारती है और अपनी पोतियों को शॉल से ढकती है। लगता है तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, जिसने तुम्हें सिखाया नहीं कि औरतों की इज्जत कैसे करते हैं। हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी पोतियों को परेशान करने की? दिव्यांशी, एकता, इन दोनों ने तुम्हारे साथ जो किया है वही तुम इनके साथ करो। ये सुनकर ही दोनों लड़कियां भी उन लड़कों को मारती पीटती हैं। फिर सुभद्रा पुलिस को बुलाकर उन्हें पकड़वा देती हैं और अपनी पोतियों को घर ले जाकर चुप करवाती हैं। अब रोने से क्या होगा, जब तुमको समझा रहे थे हम दोनों तो तुम सुनती नहीं हो,
अगर हम टाइम पर नहीं आती तो क्या हो जाता तुम्हारे साथ पता भी है? नहीं माँ जी, इन्हें क्या पता कि हमारे दिल पर क्या बीतती है। लड़कियों को फूल की तरह संभाल कर रखना होता है। माँ हम सबको माफ कर दीजिए। दादी आप भी। हाँ दादी, अब से हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको कोई तकलीफ हो। इसके बाद पांचों पोतियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर कभी वो अपनी दादी माँ का दिल नहीं दुखाती और खुशी खुशी अपनी पढ़ाई में मन लगाने लगती है।